शिवसेना के सेक्युलर है बताओ शरद पवार साहब, बताओ राहुल गांधी क्या शिवसेना सेक्युलर है? और तुम सारी दुनिया के सामने जाके कहते हो कि मजलिस को वोट मत दो, क्या तुम भूल गए 92 में क्या हुआ था मुंबई की सड़कों पर? क्या तुम भूल गए श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को? क्या तुम भूल गए उन तमाम नफरत भरी तकारीर को? बयान करना शुरू करूं मैं, एक एक चीज एक एक जुमला याद है, मगर ये लोग अपने इख्तदार को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। अच्छा, तरफ तमाशा तो ये है, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले अजीत पवार 48 घंटे के दूल्हे भी बन गए थे। अड़तालीस घंटे का कोई दूल्हा बनता है? अजीत पवार और फडणवीस मिलकर शादी कर लिए, अब इसमें दुल्हन कौन थी नहीं मालूम, पवार साहब बताएंगे। हम तो दूल्हे भाई हमेशा के लिए, हमको नहीं मालूम। 48 घंटे के लिए अचानक सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, तू मुख्यमंत्री में डिप्टी, और फिर पूरे फाइल गायब, पूरी फाइल गायब, और फिर बाद में सेकुलर हो आते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो गंदा है फडणवीस, बीजेपी है। और फिर उद्धव ठाकरे को बोलते नहीं नहीं, दूध का धुलावा, शिवसेना अच्छी है। अब जाके कोई पूछेगा इनसे, जवाब दो ये क्या ड्रामा किया तुमने? अगर कोई मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस का निकलकर किसी और पार्टी में आ जाता, मिसाल के तौर पर मजलिस में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे गद्दार है, निकाल के फेंकेंगे उसको, पुलिस पीछे लगा देंगे। नहीं, ये कैसा आ रहा है मजलिस में, कैसे दाखिल हो रहा है? मगर आपका घर वाला जाकर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कुछ नहीं होता। ये क्यों बता रहा हूं कि आपको समझना है, महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझाने के लिए, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को समझाने के लिए। हर बात पे कहते हैं मजबूरी है, कहे की मजबूरी बताओ मेरे को, कहे की मजबूरी है? कपड्यांचा ढीग जर तुम्हाला दुकानात आढळला तर तुम्ही कपडे कसे विकत घ्याल? सर्व भाज्यांचं मिश्रण तुम्हाला बाजारात आढळलं तर तुम्ही भाज्या घ्याल? डाळ तांदूळ आणि इतर किराणा मालाचं मिश्रण आढळल्यास किराणा सामान विकत घ्याल? सगळं काही वेगळं झालं तर सोपं होणार नाही का? अशाच प्रकारे कचरा वेगळा झाल्यास कचऱ्यावर प्रक्रिया करणंही सोपं जातं। प्रत्येक सुक्या कचऱ्यासाठी निळ्या रंगाचा डबा, ओल्या कचऱ्यासाठी हिरव्या रंगाचा डबा, धोकादायक कचऱ्यासाठी लाल रंगाचा डबा। सुका कचरा, काच, लाकूड, चामडं, प्लास्टिक, धातू, कापड, रबर, कागद इत्यादी। ओला कचरा, फळाची साल, उरलेली भाजी, कातडी, न शिजवलेलं अन्न, कॉफी किंवा चहा पावडर, बागेचा कचरा जसं पानं आणि फळं। धोकादायक कचरा, डायपर, सॅनिटरी नॅपकिन, पेंट ड्रम, तुटलेले बल्ब, ट्यूबलाइट, बॅटरी, रासायनिक घटक इत्यादी। सौजन्य, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर।